हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय रंजन और आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं। और मैं ये एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर आप इसको पूरा देख लेते हैं तो आपका डेरिवेटिव्स और इक्विटी डेरिवेटिव्स है तो वो सारा कुछ आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। देखिए, डेरिवेटिव्स मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, जैसे डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स का इंट्रोडक्शन मैं बताऊंगा और उसके बाद जितने भी डिटेल्स में हैं, डिटेल में आप डेरिवेटिव्स पे ट्रेड कैसे करें, जैसे कि ऑप्शंस होता है, फ्यूचर्स होता है, तो सब लोग पूछते हैं कि सर ये ऑप्शंस में हम लोग कैसे ट्रेड करें या फिर मतलब ऑप्शंस के अंदर जाके उसमें स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी है। तो ऑप्शन के बहुत सारे स्ट्रेटेजीज हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वो सारा कुछ मैं ये सीरीज में मैं सारा कुछ आपको क्लियर करूंगा। और अभी मैं बेसिक चीजें बताने वाला हूँ कि डेरिवेटिव्स में हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं और क्या क्या चीजें, आखिर ये डेरिवेटिव्स है क्या। तो देखिए, डेरिवेटिव्स के बारे में ये सारा वीडियो मैं टोटली आपको बताने वाला हूँ और टोटल चीज इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए और उसके बाद अगर कोई क्वेश्चंस आता है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट करके आप बताते रहिए। कमेंट करेंगे, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ और मैं आपको उस पर रिप्लाई दे दूंगा और आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं, अभी चलिए मैं अभी आपको बताऊंगा डेरिवेटिव्स का बेसिक्स क्या होता है। तो देखिए, मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ ये सब डेरिवेटिव्स का। तो डेरिवेटिव्स होता क्या है, अभी देखिए मैं आपको इसमें बेसिक ऑफ डेरिवेटिव, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे आप अगर डेरिवेटिव्स का बेसिक देखने जाएंगे उसमें वो चीज़ है क्या, तो उसके लिए एक टोटल वीडियो है, वो वीडियो मैं अभी डाल दिया है मैंने, आप जाके और ये अपने मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ये सारा एक सीरीज है, मैं स्टार्ट करूंगा और वो चीज़ मैं आपका सारा क्लियर करने वाला हूँ। मैं मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं तो वो आप देखते रहिए और उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये कितना डीप में इसमें चीज़ें बताई जा रही है। तो मैं ऑप्शंस और फ्यूचर्स में पूरा डीप में बताऊंगा, उसका एनालिसिस आप कैसे करें और उस एनालिसिस को लेके और हम लोग ट्रेड करें कैसे करें और पैसा कैसे कमाएं। अल्टीमेट गोल है हम लोग का पैसा कमाना, ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, अभी चलते हैं हम लोग डेरिवेटिव्स का। डेरिवेटिव्स क्या होता है, देखिए मार्केट में अगर आपको डेरिवेटिव्स पे ट्रेड करने जाएंगे, ऑप्शंस पे, फ्यूचर्स पे, स्वैप पे, फॉरवर्ड्स पे, तो ये सारी चीजें आपको मतलब ये समझ में नहीं आती बहुत सारे लोगों को, सर ऑप्शन क्या है, फ्यूचर्स क्या है, तो मैं ये सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी मैं एक आपको बता देता हूँ, ओवरऑल बता देता हूँ कि कैसे कैसे हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स का बेसिक्स और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा इंडेक्स को, हम लोग समझेंगे इंडेक्स होता क्या है। तो आपने देखा होगा कि NSE है, BSE है और भी कितने कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं, तो ये एक्सचेंज और इंडेक्स होते क्या है। इंडेक्स मान लीजिए NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और उसके बाद वही एक इंडेक्स है, इंडेक्स NSE का इंडेक्स है निफ्टी और BSE का इंडेक्स है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसका एक इंडेक्स है आपका सेंसेक्स है। तो सेंसेक्स को हम लोग S&P BSE सेंसेक्स भी बोलते हैं, सेंसेक्स 30 भी बोलते हैं, और उसके बाद निफ्टी को हम लोग निफ्टी 50 भी बोलते हैं, NSE निफ्टी 50 बोलते हैं क्योंकि उसमें 50 कंपनीज हैं। तो ये सारा वीडियो देखिए, मैं आपको सारा कुछ क्लियर करूंगा इसमें। मैं एक स्टार्टिंग कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट का, बस ऐसे ही बेसिक से एक स्टार्ट करूंगा और उसके बाद एकदम एडवांस लेवल तक आपको ले जाऊंगा। मेरा बस एक ही टारगेट है कि आपको बस एक मैं इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों में बनते हुए देखना चाहता हूं आपको। देखिए, इन्वेस्टर क्या होते हैं, इन्वेस्टर जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ट्रेडर क्या होते हैं जो कि मतलब ऐसे ही शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बहुत पैसा लगा दिया और उससे पैसा जमा कर लिया और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करके और उसमें वो लोग पैसा कमाते हैं। तो देखिए, अभी मैं आपको पहले इन्वेस्टिंग करना सिखाऊंगा, फिर उसके बाद ट्रेडिंग करना सिखाऊंगा और कितना पैसा आप ट्रेड में डालिए। एक ट्रेड आपको लेना है तो आपका आपके पास 1 लाख रुपए है मान लीजिए, तो उसमें कितना परसेंट आप ट्रेडिंग में आप उसमें डालिए या फिर कितना परसेंट आपको ये इन्वेस्टमेंट में डालना है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करेंगे। ये पूरा सीरीज आपको देखना पड़ेगा और इसमें मैं एकदम बेसिक लेवल से लेके और एकदम ही एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा जो कि आपको कहीं भी कंटेंट नहीं मिलेगा। तो आप सारा कुछ देखते जाइएगा
और फिर मैं इंडेक्स के बारे में तो आपको बता दूंगा, फिर इंडेक्स के बाद मैं आऊंगा उसके बाद फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स का डिटेल मैं बताऊंगा आपको, मतलब फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स होंगे वो डिटेल में मैं जाऊंगा और उसी डिटेलिंग में मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर्स में हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं, फॉरवर्ड से वो अलग कैसे है। तो आपने पढ़ा होगा कि फॉरवर्ड्स इसमें कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स थे इसलिए हम लोगों ने फ्यूचर्स लॉन्च किया, एनएससी में फ्यूचर्स लॉन्च हुआ तो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम था, और भी आपको फॉरवर्ड्स में आप देखेंगे कि काउंटर पार्टी रिस्क था, और फिर फ्यूचर्स में वैसा नहीं होता है क्योंकि एक अलग से उसके लिए कमिटी और एक अलग से एक एक्सचेंज बना दिया गया है जहाँ की उस जो भी हमारा काउंटर पार्टी होता है उसका एक रिस्क फैक्टर लेके और वो हमारा वो पैसे देने का गारंटी लेता है। तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसको मैं भी डिटेल में बताऊंगा, ये चीज़ें आप बस देखते जाइए। मैं एक ओवर भी देना चाहता हूँ और फिर उसके बाद फ्यूचर्स फॉरवर्ड के बाद मैं ऑप्शंस का सारा आपको डिटेलिंग बताऊंगा कि ऑप्शंस होता क्या है और उसमें स्ट्रैटेजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजीज अगर आपको ऑप्शंस आता भी है लेकिन आपको स्ट्रैटेजी नहीं आता है तो फिर कोई फायदा नहीं है ऑप्शन पढ़ने का। तो स्ट्रैटेजी ऐसी चीज़ है जो कि ऑप्शंस में आपको पैसा कमा के देगी। ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा वो भी चीज़, लेकिन इसमें एक स्ट्रैटेजीज का मैं सारा कुछ बताऊंगा, वो स्ट्रैटेजीज कैसे आपको अप्लाई करना है मार्केट में और उससे आपको इनकम करना है, उससे आपको प्रॉफिट करना है, तो कैसे वो चीज़ प्रॉफिटेबल है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद आपका आऊंगा मैं ट्रेडिंग सिस्टम पे, ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे कि आपका कॉरपोरेट एक्शंस हो गया, फिर ट्रेडिंग सिस्टम में क्या क्या आता है, स्टॉक्स पे ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इंडेक्स पे ट्रेडिंग कैसे करते हैं, तो ये सारा आपको मैं बताऊंगा। पोजीशन लिमिट बताऊंगा, पोजीशन लिमिट क्या होता है, फिर उसके बाद मार्जिन बताऊंगा कि कैसे आप मार्जिन चेक कीजिए कौन से स्टॉक में, क्लियरिंग मेंबर्स क्या होते हैं, क्लियरिंग मेंबर्स हो गए, फिर उसके बाद आपका क्लियरिंग मेकानिज्म क्या हो गया, क्लियरिंग कैसे होता है, एक एक हाथ से दूसरे हाथ में वो पैसा कैसे ट्रांसफर होता है। आपको पता है कि एनएससी में एक दिन में 5 लाख करोड़ रुपए का ट्रेडिंग होता है, वो हैंड्स एक्सचेंज होते हैं 5 लाख करोड़ का, आप सोच सकते हैं कि कितना इसमें वॉल्यूम है और आपके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सबसे बड़े मार्केट में आप आज आए हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको इंटरेस्ट है कि सबसे बड़े मार्केट में इंडिया के क्या मतलब सारे वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े मार्केट में आपको ट्रेड करने का मौका मिलेगा और आप इसको सीखिए। देखिए स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर आप इस चीज़ को सीखते हैं बढ़िया से सीखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले नॉलेज गेन कीजिए, उसके बाद आप पैसा कमाने का वो स्टार्टिंग कीजिए। तो पहले छोटे पैसे से आप स्टार्ट कीजिए और मैं जो जैसा बताऊंगा आपको इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रेडिंग के लिए वैसा आप करते जाइए तो आपको पैसा बनता है इसमें। फिर उसके बाद लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्या होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे सेबी हो गया, PFRDA हो गया, IRDA हो गया, तो इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा कि ये लोग कैसे कैसे इस चीज को मैनेज करके रखते हैं। और फिर उसके बाद मैं आगे जाऊंगा और आगे में आपको कैसे करना है ट्रेडिंग में, आपका अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन हो गया, टैक्स कैसे कटते हैं, मतलब अकाउंट में अकाउंट के डिटेल्स में बताऊंगा कि आपको कैसे देखना है, फिर उसके बाद टैक्स कितना कटता है, जैसे LTCG हो गया, STCG हो गया, वो आपको पता होगा लेकिन डिटेल में ये चीज़ें आपको नहीं पता होगी। आपको पता है कि बस LTCG 15% और फिर STCG आपको अगर 1 साल से कम है तो वो STCG लगता है, शॉर्ट टर्म गेन लगता है, और फिर अगर LTCG आपको 1 साल से ज़्यादा का है तो LTCG लगता है, लेकिन वो कैसे, उसका मेकानिज्म क्या है, उसमें समझना कैसे है, हम लोग को वो STCG LTCG मतलब वो कितना देना पड़ता है और उसका कैलकुलेशंस कैसे होता है, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। और फिर इसके बाद मैं आपको लास्ट में एक चीज़ें ऐसी बताऊंगा, हर एक वीडियो के बीच में लास्ट में मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि कोई नहीं बता सकता है वो चीज़, और वो हर एक वीडियो में होगा और वो एक स्ट्रैटेजी होगा, वो ऐसा ही स्ट्रैटेजी होगा जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा और उससे आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं मार्केट में। तो थैंक यू दोस्तों, आप सब देखते रहिए इस चैनल को और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हम लोग ट्रेड करें और इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे करें कि आप एक इफ़िशियंट ट्रेडर बन सके और एक इफ़िशियंट इन्वेस्टर बन सके। सब लोग इन्वेस्टर हैं, सब लोग ट्रेडर हैं, लेकिन एक इफ़िशियंट ट्रेडर होने के नाते मैं आपको बताऊंगा कि वो ट्रेडिंग आप कैसे कीजिए और इन्वेस्टिंग कैसे कीजिए कि आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रॉफिट हो, क्योंकि मार्केट में सब लोग इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है, सब लोग ट्रेड करता है लेकिन लॉस कितना करता है आप ये भी देखें, तो लॉस होता है ट्रेडिंग में, लॉस होता है, लेकिन अगर आप इफ़िशियंट तरीके से करेंगे, सब चीज़ सीख के करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग में चार्ट का महत्व तो बहुत होता है और इन्वेस्टमेंट में
हमारा जो भी बैकग्राउंड होता है, जैसे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गया, या फिर कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, वो क्या बनाती है, वो बिजनेस क्या समझ में आता है क्या आपको, तो वैसे वैसे करके अगर आप उस चीज़ को समझते हैं तो फिर आप उसमें प्रॉफिट बना पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, और सारी चीज़ें अगर आप देखते जाएंगे तो मैं सब कुछ आपको इसमें बताऊंगा, जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ये अगर आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट समझ सकते हैं तो आप समझ लीजिए, क्योंकि एक दिन में देखिए मार्केट सिखाना किसी के बस का बात नहीं है। तो इसलिए आप बस देखते जाइए आगे आगे, और फिर इसमें मैं आपको सारी चीज़ें आपका क्लियर करा दूंगा। एकदम बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है, आपको भी लग रहा होगा कि ये वीडियो एकदम ही बेसिक है, लेकिन ये मैं जान के ये वीडियो बेसिक बना रहा हूँ, क्योंकि ये लोग जो बिगिनर्स होते हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो स्टॉक मार्केट में अभी अभी आए हैं, उनको एकदम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना पड़ता है बताने चीज़ें। एक ही बार आपको उनको आप इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग बताने लगेगा, फिर बैलेंस शीट और ये सब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, फिर उसके बाद कैश फ्लो, तो वो नहीं समझ में आता है किसी को। तो अगर मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप चाहे तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो सारी देख सकते हैं, और उसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अभी आगे आने वाले सारे सीरीज में मैं आपको बताते जाऊंगा, और ये चीज़ देख लीजिए आप, और ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। आपको बेल आइकन भी दबा दीजिए, और उसके बाद आपको सारे अपडेट्स, एक भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और वो नोटिफिकेशन देख के आप वीडियो सारा देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।